समाज भागचार में आज तत्पुरुष समाज ऐसा समाज जिसका उत्तर पद प्रधान हो और विभक्ति चिन्हों का लोप हो तत्पुरुष समाज कहलाता है। तत्पुरुष समाज के इसी आधार पर भेद किए गए हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष जिसमें को का लोप हो जाता है, जैसे शरणागत, तापमापी, गगनचुंबी। दूसरा है करण तत्पुरुष समाज जिसमें विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा का लोप हो जाता है। से का प्रयोग निर्जीव के लिए, के द्वारा का सजीव के साथ। तारो भरी हस्तलिखित इसके उदाहरण है। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष जिसमें के लिए विभक्ति चिन्ह का लोप होता है, जैसे हथकड़ी या मंत्री परिषद, हाथ के लिए कड़ी और मंत्री के लिए परिषद। चौथा है अपदान तत्पुरुष जिसमें विभक्ति चिन्ह से का लोप होता है, जैसे लोक से उत्तर, लोकोत्तर, और जल से जात, जल जात। पांचवा है संबंध तत्पुरुष समाज जिसमें विभक्ति चिन्ह का, के, की का लोप होता है, जैसे कन्या का दान, कन्यादान, काट की पुतली, कठपुतली। छठवा है अधिकरण तत्पुरुष जिसमें विभक्ति चिन्ह में या पर का लोप होता है, जैसे हरफन मौला, हर फन में मोलो, और आप बीति, आप पर बीति। एक अन्य विशिष्ट भेद है इसका, जिसको कहते हैं नए तत्पुरुष, जिसमें अ, अन या न का उपसर्ग का प्रयोग करके इन शब्दों को बनाया जाता है, जैसे अटूट, अनिच्छुक, नगण्य, नापसंद। याद रखें, अव्ययी भाव समास के साथ कंफ्यूजन न हो। इस भाग से आए हुए प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हैं। अब मिलेंगे अगले भाग में।